नेपाल में यात्रियों को ले जा रही बस के नदी में गिरने के बाद हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस के नदी में गिरने से 14 भारतीयों की जान चली गई है, वहीं 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बस में कुल 40 यात्री सवार थे जो बस हादसे का शिकार बन गए। वो भारत से रजिस्टर थी। राजधानी काठमांडू में अपने गंतव्य से लगभग 110 किलोमीटर दूर तनहून जिले में मार्जियांडी नदी में गिर गई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। बस पोखरा के काठमांडू जा रही थी, जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यूपी FT 7623 नंबर वाली प्लेट बस नदी में गिर गई। दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने 14 लोगों के शव को बरामद किया और 16 लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी पाई। दुर्घटनाग्रस्त बस पोखरा में मजेरी रिजॉर्ट के पास ठहरे हुए भारतीय को लेकर काठमांडू जा रही थी। सशस्त्र पुलिस में ये प्रवक्ता DM शैलेंद्र थापा ने बताया कि दोपहर 2 बजे 14 लोगों के शव घटनास्थल से बरामद किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 16 घायल लोगों को बचा लिया गया है। शुक्रवार सुबह पोखरा से काठमांडू जा रही 53 FT 7623 बस तनहून के एनपहारा नामक स्थान से मस्यारगंडी नदी में गिर गई। बस नदी किनारे फंसी हुई है। पुलिस ने बताया कि बस हादसे में कई लोग हताहत हुए हैं। तनहून DSP दीपक कुमार राय ने कहा कि बचाव कार्य जारी रहने से मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ गई। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण स्कूल के SSP माध्यम पोडेल के कामना के तहत 10 गोताखोरों के नंबर 23 मनकामना गढ़भानु तनहून के 35 लोग सहित 45 लोगों की एक टीम को बचाव के लिए लगाया गया है। क्योंकि घटनास्थल खड़ी और दुर्गम है, इसलिए बचाव कर्मी रस्सी के सहारे बस वाली जगह पर पहुंच और बचाव का सक्रिय है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।